अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर यासर। हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है, डेटा में वेरिएशन चेक कर रहे होते हैं कि स्टैंडर्ड क्या था और एक्चुअल क्या था। तीन बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहले फार्मूला, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। कॉस्ट इज इक्वल टू क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, ये फार्मूला है कॉस्ट का। अगर क्वान्टिटी गिवन ना हो तो कैसे आती है, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। और अगर रेट गिवन ना हो तो कैसे आएगा, कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। ये फॉर्मूला है, ये तीन फॉर्मूला है इसके अंदर, ठीक है ना। सवाल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स और रेट। क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स और रेट इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में चंद चीजें बनती हैं आपके पास, ठीक है, चंद चीजें बनती है सवाल आपके पास। वो बनता है पहले मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस, लेबर वेज है लेबर रेट वेरियंस, लेबर एफिशियंसी है लेबर टाइम वेरियंस। उसके बाद फिर एफएच वेरिएंस, दो अलग तरह के आते हैं, कंट्रोलेबल वॉल्यूम वेरिएंस, वो इस सवाल में नहीं है। तो पहले निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या निकालते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है इसने आपने खाली। एग्जाम्पल वन पे आते हैं, एग्जाम्पल वन। तो मटीरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, ठीक है जी। पहली रिक्वायर्ड हमारी क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये फॉर्मूला हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, ठीक है जी। ओके भाई, अब वैल्यू पुट करते हैं। मटेरियल प्राइस variance is equal to, तो भाई material price में actual price कितना है मेरे पास, 6.2, मैं लिख दूंगा 6.2। कितने actual price है मेरे पास, 6.2 मेरे पास actual price है, ठीक है जी। actual price लिखी मैंने 6.2, और standard price कितनी है सवाल में, standard price लिखी हुई यहाँ पर 6, ये देखिए स्टैंडर्ड है 6, एक्चुअल है 6.2। तो भाई 6.2 माइनस 6 करेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो भाई एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, 9200, यहां लिख दूंगा 9200, ठीक है जी। दोबारा कंटिन्यू करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू 6.2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, या 0.2 लिख दूं, बात एक ही है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9200। इसकी वैल्यू क्या आएगी मटेरियल प्राइस वेरिएंस की, यानी मटेरियल प्राइस की वजह से कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 9200 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आ रहा है 1840। कितना आ रहा है, 1840, 1840 रुपए का आपका मटेरियल प्राइस की वजह से वेरिएंस आ रहा है, यानी कॉस्ट आपकी। अब देखो स्टैंडर्ड था 6 रुपए, एक्चुअल हो गया 6.2, तो कॉस्ट आपकी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। कॉस्ट क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो ये आएगा आपका अनफेवरेबल, क्या आ जाएगा, अनफेवरेबल। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग अनफेवरेबल, ठीक है, ब्रैकेट में। याद रखिए जब भी आपकी, जब फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल प्राइस ज्यादा होगा तो आंसर क्या आएगा, अनफेवरेबल, और अगर स्टैंडर्ड ज्यादा होगा तो आंसर क्या आएगा, फेवरेबल आएगा। ये आंसर क्या आया मेरे पास, अनफेवरेबल आया, ठीक है जी। या आपके पास क्या आंसर आया, अनफेवरेबल आंसर आया। एग्जाम्पल वन का हम कर रहे हैं सोल्यूशन, ठीक है जी। ये होगी पहली रिक्वायरमेंट हमारी मटेरियल प्राइस वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है बच्चों। ओके, जेटिंग डालो उसकी, क्या था पहले, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की हेडिंग डाल दूं मैं, ठीक है जी। दादी अब आते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, सेकंड हेडिंग है आपके पास सवाल में, क्या कह रहा है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस लिखा मैंने यहाँ पे, मटेरियल
क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। रेट बोलूं या प्राइस बोलूं, बात एक ही, स्टैंडर्ड प्राइस लगेगा वैसे तो, रेट क्योंकि लेबर में लिखते हैं हम लोग ना, स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। लिखा पहले मैंने मटेरियल इज इक्वल टू, तो भाई एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, 9200 मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी है मटेरियल की। यहाँ लिखा मैंने अंडर ब्रैकेट 9200, माइनस करता हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन नहीं है, कॉस्ट गिवन है। हमने क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट करेंगे तो क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, नीचे अलग वर्किंग शो कर देता हूँ उसकी, ठीक है ना। नीचे आओ भाई, वर्किंग के नाम से क्या है, वर्किंग के नाम से, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, सही है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी गिवन है भाई सवाल में, कॉस्ट है 54,000, रेट है 6 रुपए। तो यहाँ लिखा मैंने 54,000 डिवाइड बाय 6, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 6,000। ओके भाई, तो क्वांटिटी आ गई कितनी, 6,000 यूनिट्स आ गई हमारी, 6,000 आई थी, 9,000 आई थी, 9 आएगी यार, 6 थोड़ी आएगी। तो आगे 9,000 यूनिट्स आपकी क्वांटिटी आ गई, यहाँ लिखेंगे हम 9,000, सही है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है भाई, 6 रुपए। कितना स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट हमारे पास कितना, 6 रुपए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ओके, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आ जाएगा आपके पास मटेरियल वेरिएंस कितना आ जाएगा, 1200। अभी 1200 क्या आएगा, देखो एक्चुअल ज्यादा है, जब भी एक्चुअल ज्यादा होता है आंसर क्या आता है आपका, अनफेवरेबल। स्टैंडर्ड ज्यादा होगा आंसर क्या आएगा, फेवरेबल। एक्चुअल ज्यादा होगा आंसर क्या आएगा, अनफेवरेबल आएगा, ठीक है जी। अब आते हैं किस पे, लेबर की तरफ, ठीक है, मटेरियल। अब आएंगे सेकेंड रिक्वायर्ड के हमारे पास, लेबर वेज वेरियंस, लेबर वेज वेरियंस, ठीक है जी। तो भाई लेबर वेज वेरियंस देखो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और लेबर वेज वेरिएंस का फॉर्मूला एज इट इज सेम होता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और लेबर वेज वेरिएंस का फॉर्मूला एज इट इज सेम होता है। तो लेबर वेज वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल, यहाँ रेट होता है पर आवर और वहां प्राइस होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्चुअल रेट, वहां कहाँ चला गया, नीचे है ऊपर, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। देखिए एज इट इज ई वाला फॉर्मूला, एक्चुअल प्राइस है तो एक्चुअल रेट है, स्टैंडर्ड प्राइस है तो स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल क्वांटिटी तो यहाँ एक्चुअल आवर्स है। लेबर में आवर्स यूज होता है क्वांटिटी की जगह, ठीक है जी। फॉर्मूले पे आते हैं आगे, लेबर वेज वेरिएंस इज इक्वल टू, तो भाई एक्चुअल रेट कितना है यहाँ पे, एक्चुअल रेट है हमारे पास 10.5 और स्टैंडर्ड रेट है 11। एक्चुअल रेट 10.5 माइनस स्टैंडर्ड रेट कितना है, 11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स कितने हैं,
इस सवाल में एक्चुअल आवर्स गिवन नहीं है, कॉस्ट गिवन है. आवर्स ऐसे निकलेगी कॉस्ट डिवाइड बाय रेट करके. बिन जी शो करते हैं वर्किंग, इसकी वर्किंग सेकंड वर्किंग है ये. ठीक है ना भाई, निकालना है क्या हमें एक्चुअल आवर्स. इज इक्वल टू कैसा आएगा, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट. एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है भाई, कॉस्ट गिवन है 110,250, ये लिखी मैंने 110,250 डिवाइड बाय रेट कितना है मेरे पास, रेट है 10.5, रेट है 10.5. एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू डिवाइड करो कितना आ रहा है एक्चुअल आवर्स, ये एक्चुअल आवर्स आ रहा है हमारे पास डिवाइड करके 10,500, कितना आ रहा है 10,500 आ गया एक्चुअल आवर्स. यहाँ कॉपी किया 10,500 एक्चुअल आवर्स आया. वैल्यू पुट करते हैं लेबर वेज वेरियंस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10,500. लेबर वेज वेरियंस कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, तो लेबर वेज मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारे पास 5,250 5,250. अच्छा अब चूंकि एक्चुअल कम है तो इसलिए आंसर क्या आएगा, फेवरेबल. एक्चुअल कम है तो आंसर क्या आ रहा है, फेवरेबल. अगर एक्चुअल ज्यादा होता तो आंसर क्या आता, अनफेवरेबल आता. ये हो गया लेबर वेज वेरियंस. ठीक है अब आएंगे इसकी वर्किंग व्यू के साथ, दूसरी वर्किंग नीचे करेंगे इसके. अब क्या है लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस. ठीक है ना भाई, ओके जी. तो उसके बाद बचेगा लास्ट एफएच वेरियंस, अभी लेबर एफिशिएंसी वेरियंस करेंगे. इसका फॉर्मूला होता है लेबर एफिशिएंसी वेरियंस इज इक्वल टू एज इट इज इसका मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस वाला फॉर्मूला होता है. ये एक्चुअल क्वांटिटी यहां होगा एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट. ये फॉर्मूला लेबर एफिशिएंसी वेरियंस का. ठीक है जी आगे बढ़ते हैं. लेबर इज इक्वल टू तो भाई एक्चुअल आवर्स कितने हैं जो हमने कैलकुलेट करे नीचे, कितने 10,500. यहाँ लिखूंगा मैं 10,500. ये दो फॉर्मूले हैं एज इट इज सेम चलते हैं, मटेरियल का प्राइस ऑफ क्वांटिटी, लेबर का भी वेज और एफिशिएंसी. तो भाई एक्चुअल आवर्स आ गया और स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 10,000 है, 10,000 आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है 11 रुपये, लिखेंगे 11 रुपये. ठीक है जी लेबर एफिशिएंसी वेरियंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 11 आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरियंस इज इक्वल टू 500 डिवाइड 11 करो कितना आएगा 5,500 आ रहा है ना भाई, कितना आ रहा है 5,500. अब देखिए एक्चुअल ज्यादा है कम है, एक्चुअल ज्यादा है, स्टैंडर्ड 10,000 है एक्चुअल है 10,500, एक्चुअल ज्यादा तो आंसर क्या आएगा अनफेवरेबल. क्या आएगा आंसर अनफेवरेबल आ जाएगा. ठीक है जी लास्ट बचा आपके आपके पास एफएच वेरिएंस, वर्किंग ऊपर करूंगा. लास्ट क्या मेरे पास फिर फैक्ट्री
ओवरहेड वेरिएंस ये कैलकुलेट कर। तो डेटा क्या है, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट एक्चुअल क्या है 90,000। तो एफ एच वेरियंस फॉर्मूला क्या होता है, एफ ओ एच वेरियंस इज इक्वल टू एक्चुअल एफ ओ एच माइनस स्टैंडर्ड एफ ओ एच। सवाल में एक्चुअल एफ ओ एच गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा एक्चुअल एफ ओ एच। एफ ओ एच वेरियंस इज इक्वल टू, ठीक है ना, फिर कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एफ ओ एच इज इक्वल टू क्या रहा है, किस पे बेस कर रहा है, सॉरी एक्चुअल तो है स्टैंडर्ड नहीं, सॉरी सर सर एक्चुअल तो है स्टैंडर्ड नहीं, एक्चुअल तो 90,000 है सीधा, स्टैंडर्ड एफ ओ एच हमारे पास गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड एफ ओ एच सही। एक्चुअल है कितना मेरे पास, एक्चुअल है मेरे पास 90,000। तो मैंने यहाँ लिखा कितना 90,000 एक्चुअल एफ ओ एच लिखा, स्टैंडर्ड गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड में कैलकुलेट करता हूँ कैसे आएगा, कह रहा है जो एफ ओ एच है 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, अब 10,000 लेबर आवर है, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, उस कॉस्ट का निकलेगा 80%। तो भाई यहाँ लिखा मैंने 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ जाएगा, ये 110,000 उसका निकालेंगे हम 80%। तो भाई इसका 80% कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका 80% आ जाएगा 88,000, कितना आ जाएगा 88,000, ये आ गया स्टैंडर्ड एफ ओ एच। इसको मैंने यहाँ कॉपी करा 88,000, तो एफ ओ एच वेरियंस कितना आया इज इक्वल टू 2,000, और चूंकि एक्चुअल ज्यादा इसलिए आंसर क्या आएगा अनफेवरेबल। ठीक है जी, ये हो गई पहली वर्किंग सारी हमारी, अब बनाएंगे इसकी एंट्रीज, क्या बनाएंगे वी रिक्वायर्ड सी क्या एंट्री बनानी है, कंपनी के नाम टॉप प्रोडक्ट्स कंपनी, और क्या बनानी है हमने एंट्रीज बनानी है, टोटल 3 एंट्रीज बनती है इसकी। टॉप प्रोडक्ट्स कंपनी क्या बना रहे हैं, जनरल जर्नल कॉलम बनाते हैं अब हम, ठीक है जी, डेट पर्टिकुलर पी आर डेबिट क्रेडिट क्लोज किया मैंने इसको यहाँ से, ओके भाई अब आते हैं एंट्री की तरफ। पहली एंट्री बनेगी मटेरियल की, तो एंट्री फिक्स होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, तो जो जो आपके वेरिएंस आ रहे हैं ये कौन सा वेरिएंस आएगा, मटेरियल का आएगा, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, और वेरिएंस कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास, देखिए मैं देखता हूँ पर वेरिएंस कौन कौन से आ रहे हैं, मटेरियल प्राइस वेरियंस क्वांटिटी वेरियंस दोनों क्या आ रहे हैं अनफेवरेबल आ रहे हैं, दोनों क्या आ गए मटेरियल प्राइस और क्वांटिटी दोनों अनफेवरेबल आपके वेरियंस आए, ठीक है ना भाई, ओके तो दोनों क्या हो जाएंगे डेबिट, अनफेवरेबल होंगे तो डेबिट होंगे, फेवरेबल होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ लिखूंगा मैं मटेरियल प्राइस वेरियंस क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल होने की वजह से डेबिट होगा, और क्या है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस ये भी अनफेवरेबल है, ये भी क्या होगा डेबिट होगा, और मटेरियल क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, ये इसकी फिक्स एंट्री नरेशन टू रिकॉर्ड मटेरियल यूज्ड विद वेरिएंसेस, ठीक है जी। अब मटेरियल की कॉस्ट कैसे आएगी आपके पास, अब सवाल में देख सकते हैं कि भाई 54,000 कॉस्ट गिवन है स्टैंडर्ड, इससे वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 54,000 से वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और ऊपर हमने मटेरियल प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस निकाले हैं दोनों, कितने मटेरियल प्राइस 1840 क्वांटिटी है 1200, प्राइस 1840 1840 और ये है 1200, ठीक है जी, और मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा आपका कॉस्ट से, कैसे आएगी कॉस्ट, ये
ये देखें 9200 मल्टीप्लाई बाय 6.2 करेंगे, यहाँ लिखा मैंने 9200 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो कॉस्ट कितनी आ गई इसकी मटेरियल की 57040 आ जाएगी। क्या कॉस्ट आएगी 57040, ये आ गई मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है जी, फिर आएंगे लेबर की एंट्री पे, दूसरे में लेबर की एंट्री बनेगी, सेम होगा वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, और अभी देखना है भाई कि लेबर क्या नाम है, डेबिट वाला कौन सा है क्रेडिट कौन सा है, तो लेबर वेज वेरियंस फेवरेबल है मतलब क्रेडिट है, एफिशिएंसी अनफेवरेबल है डेबिट होगा, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस हो जाएगा डेबिट, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस क्या हो जाएगा अनफेवरेबल है डेबिट, और लेबर कौन सा वेरियंस है दूसरा वेज वेरियंस, वो क्या था क्रेडिट है, लेबर वेज वेरियंस क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्या ये फेवरेबल है। उसके बाद फिर लेबर के लिए क्या लिखते हैं हम एक्रूड पेरोल, ये जाता है क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड डायरेक्ट लेबर विद वेरियंसेस, ठीक है ना भाई। तो भाई वर्क इन प्रोसेस लेबर कैसे आएगा, कॉस्ट गिवन है नहीं है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे कितना आ जाएगा 110,000। अच्छा उसके बाद अनफेवरेबल है लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, तो कितना अनफेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरियंस भाई आपके पास 5,500, यहाँ लिखूंगा मैं 5,500, और लेबर वेज वेरियंस क्या है फेवरेबल है, कितना है भाई लेबर वेज वेरियंस फेवरेबल, वेज वेरियंस है 5250, यहाँ लिख दिया मैंने 5250, और एक्रूड पेरोल का अमाउंट डायरेक्ट गिवन है यहाँ पे एक्चुअल एफएच का 110,250, 110,250 यहाँ लिख देंगे 110,250। ठीक है थर्ड आते हैं फिर एफएच की क्लोजिंग करेंगे, क्या लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस FOH डेबिट, कितने से हो रहा है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन नहीं है मैंने निकाली है, कितनी आई थी 88,000 ये सामने निकली हुई है, यहाँ लिखा 88,000, ठीक है ना। और उसके बाद जो वेरियंस आ रहा था सब कितना आ रहा था FOH वेरियंस, अनफेवरेबल था फेवरेबल आ रहा था, देखते हैं FOH वेरियंस आ रहा था अनफेवरेबल, तो ये क्या हो जाएगा डेबिट, यहाँ लिखूंगा मैं FOH वेरियंस अनफेवरेबल होने की वजह से क्या हो रहा था डेबिट, तो एफ ओ एच वेरियंस अनफेवरेबल है तो क्या हो जाएगा डेबिट, कितने से 2,000। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा एफ ओ एच अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है ना एक्चुअल है ना एफ ओ एच क्या हो जाएगा क्रेडिट, कितने से 90,000, ठीक है जी। नरेशन टू रिकॉर्ड एफओएच विद ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।